बोलू श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलू श्री सतगुरु महाराज की प्राणधार आत्मसंबंधी सुंदर सात जी कल की चर्चा में हमने सुना कि जो सुंदर औरंगजेब के दरबार में गए हैं उन पर जो अत्याचार किया गया है ऐसे सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए श्रीजी ने पत्र लिखा और उस पत्र में सबसे पहले तो उन्होंने उन सुंदर साथ के प्रति अपना प्रेम दर्शाया उन सुंदर साथ की महिमा बताई और जागनी के विषय में जी ने क्या क्या बातें पहले से दिल में ले रखी हैं उनके विषय में भी थोड़ी बात बताई तथा सुंदर साथ की इस त्याग का इस समर्पण का भाव अथवा उसके सुंदर साथ की सेवा भावना के महिमा को बताया और अंतिम में यह भी बताया कि ये जो कुछ भी आपने किया है वास्तव में आपके तन को राज्य ने माध्यम बनाया है इस बात का अहम बिल्कुल भी अपने मन में मत लेना अब आगे कहते हैं एक काम बहुत बड़ा हुआ अजु भाष्य तुम्हारे मन तुमको हल्का लगत है हे बात बड़ी मोमिन कहते हैं सुंदर साहद जी जो आपने काम किया है ना ये बहुत बड़ा काम है फिर भी अच्छी बात यह है कि इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी आपके मन में अब तक यह भाव नहीं आया कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है आपको तो लग रहा है कि कोई छोटा मोटा काम होगा लेकिन यह बहुत बड़ा काम है कैसे औरंगजेब के दरबार पे ही तो गए हैं ना अगर जागनी भी की होती तब भी बड़ी बात कही जा सकती थी केवल औरंगजेब के दरबार में जाना जा करके बात कर लेना थोड़ी बहुत ये बहुत बड़ा काम कैसे हो गया क्योंकि अगली चौपाई में कहते हैं एते दिन इन जहान में बहुत डरते लेते नाम अब तक इस संसार में कोई औरंगजेब का नाम लेने से भी डरता था ये सोचते थे कि यदि हमने नाम ले लिया तो औरंगजेब हमारी गर्दन उड़वा सकता है उसकी क्रूरता से उसके कट्टरता से सब भली भांति प्रचलित थे और वहां एक औरंगजेब से डर नहीं है वहां डर उस कट्टरतावादी प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता से है एक से तो बच जाएंगे पर जहां सभी एक जैसे हो औरंगजेब तो सुनने के लिए फिर भी तैयार हो गया था उसके जो दरबारी हैं वो नहीं चाहते थे कि सुने और उनके भड़काने से औरंगजेब भी भटक गया इसीलिए श्री जी कहते हैं कि आज तक इस संसार में कोई भी व्यक्ति इस तरह से खुले आम मुसलमानों के मुगलों के कट्टरतावादी साम्राज्य में इमाम मेहंदी का नाम लेने से भी डरते थे और आपने तो क्या किया उन्हीं के दरबार में घुस करके चुनौती दे दी कहते हम स्वयं भी छिप छिप करके फिर रहे थे आपन छिप छिप रल झलते फिरते थे सब ठोर हम सब मुसलमानों से छिप छिप करके रहा करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे श्री जी जब दिल्ली पहुंचे दिल्ली में भी एक स्थान पर जानबूझ करके नहीं रहे कभी वो लाल दरवाजे में रह रहे हैं कभी वो चांदनी चौक में कभी दाऊद पांडे की हवेली में जगह बदल बदल के रह रहे हैं बीच बीच में अनुप शहर जा रहे हैं कभी कामा पहाड़ी जा रहे हैं तो इसलिए कहते हैं कि हम सब तो छिप छिप करके रहते थे और आपने क्या किया अब तुम जाहिर भय लश्कर मोहम्मदी शोर अब तो आप खुलेआम जाहिर हो गए हो अब क्या करना मोहम्मद साहब ने जो ज्ञान का मार्ग बताया उस मार्ग का प्रचार कर देना कि इमाम मेहदी आ चुके हैं और कयामत आ चुका है कहते हैं अब तुम इन जैसे हो के बैठे इन अंदर आपने क्या किया इन्हीं के जैसा होकर इन्हीं के जैसी वेशभूषा धारण करके इनके घर में प्रवेश कर चुके हैं और इनके घर में प्रवेश करके थाना मेहदी का था पिया बैठे इनके मंदिर और इन्हीं के घर में जाकर यहां मंदिर का तात्पर्य घर से इन्हीं के घर में जाकर आपने इमाम मेहदी का केंद्र सा बना दिया है केंद्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुंदर साथ का जमात भी तो उनके घर में शामिल है ना बारह सुंदर साथ हैं जैसे किसी भी सिद्धांत का कोई केंद्र होता है मान लीजिए ये ज्ञानपीठ है एक तरह से ये केंद्र ही है सेंटर है तो यहाँ क्या होगा प्राणनाथ जी के नाम से है तो यहाँ कम से कम कुछ लोग ऐसे होंगे जो वाणी की बात करेंगे प्राणनाथ जी की बात करेंगे यदि कहीं पर ध्यान का केंद्र होता है तो वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान से संबंधित बात करते हैं तो यहाँ भी शेख इस्लाम के घर पे बारह सुंदर सात ऐसे हैं जो आखर मोहम्मद मेहदी के आगमन की बात कर रहे हैं इसीलिए उस स्थान को यहाँ केंद्र बताया है इस उस उस स्थान को यहां मंदिर बताया है आगे कहते हैं जब जाहिर तुम करी अपना जो लश्कर गांव गाम शहर शहर थाने थाने जाहिर हो गए इन पर अभी तो आपने क्या किया स्वयं को लश्कर का मतलब सेना या फौज से है और यहां फौज इसलिए कहा जा रहा है कि स्वयं को इमाम मेहदी का अनुयाई बता रहे हैं कि अभी तो आपने अपने आप को इमाम मेहदी के अनुयाई के रूप में जाहिर किया है और धीरे धीरे करके ये बात गांव-गांव में शहर शहर में प्रत्येक थाने थाने चौक चौक में जाहिर हो जाएगी कि आखिर इमाम मोहम्मद मेहदी इस दुनिया में आ चुके हैं कयामत का समय आ चुका है आगे कहते हैं अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए तेज का तात्पर्य क्या है जाहरी प्रकाश से नहीं आपकी शोभा आपका सम्मान सुंदर साथ के बीच में प्रतिदिन बढ़ता जाएगा आपके व्यक्तित्व का जो तेज है वह प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा और बढ़ते बढ़ते उसी प्रकाश से कि आपने जो त्याग किया है उसी त्याग के प्रकाश से पूरी दुनिया के लोगों को ये सूचना ये जानकारी पहुंच जाएगी कि इमां मेहदी जाहिर हो चुके हैं और जैसे आपकी शोभा बढ़ेगी आपका तेज बढ़ता जाएगा वैसे ही दज्जाल की जो कला है वह घटती जाएगी और घटते घटते एक दिन ऐसी हो जाएगी जैसे चंद्रमा है चंद्रमा की कला जब अमावस्या की तरफ जा रही होती तो घटती है ना पूर्णमासी के बाद चतुर्दशी ठीक है पूर्णमासी से पहले चतुर्दशी उसके बाद प्रतिपदा प्रतिपदा को चंद्रमा थोड़ा सा कम दिखती है फिर द्वितीय तृतीया करते करते अमावस्या पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से समाप्त हो जाती है चंद्रमा की कला पूरी तरह से छिप जाती है और घनघोर अंधेरा हो जाता है और अगर इसी के विपरीत बात करें तो जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो चंद्रमा में जो अंधकार का हिस्सा होता है वो कम होता जाता है चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है प्रकाशित दिखता जाता है और अंधकार की जो कला है वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है पूर्णिमा के दिन वह चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित होता है इसी तरह से जैसे जैसे सुंदर सात की शोभा सुंदर सात के तेज में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे दज्जाल की शोभा या दज्जाल की जो शक्ति है वो हर दिन कम होती जाएगी यहां दज्जाल कौन है जो धर्म का विरोधी हो तो उन धर्म विरोधियों की शक्ति प्रतिदिन कम होती जाएगी कहते हैं दृष्ट दज्जाल की बाहर। तुमको दई दृष्ट अंदर दज्जाल की दृष्टि कैसी है बाहरी दृष्टि अभी हमने सुना दो तीन दिन पहले काना दज्जाल के विषय में काना का मतलब क्या होता है जिसकी एक आंख हो तो जो दज्जाल है उसकी दृष्टि केवल बाहरी है एक दृष्टि है बाहरी दृष्टि का तात्पर्य उसको केवल शरीर के विषय में पता है कि ये इस परिवार में है इस वर्ण में है इस वर्ग में है इस भाषा में है केवल बाह्य वस्तुओं को वो पकड़ता है और कहते हैं तुमको दई दृष्ट अंदर आपको तो राज्य ने क्या दिया है अंदर की दृष्टि दी है और अंदर की दृष्टि भी कैसी दी है कहते हैं कि आपको राज्य ने असराफिल अर्थात जागृत बुद्धि की दृष्टि दी है इसीलिए आपको क्या करना है आपको युद्ध करते रहना है इस अज्ञानता के खिलाफ युद्ध करते रहना है राज्य ने जो आपको दृष्टि दी है ना अंदर की उस दृष्टि का क्षेत्र अनंत है बाह्य आंखों की जो दृष्टि है वो तो सीमित है कितने दूर तक देखा जा सकता है सीमित है लेकिन आपको जो ज्ञान की दृष्टि दी है वह कैसी है निराकार के पार थे तीन पार के भी पार वहां पहुंचाने की दृष्टि है आपके पास अनंत आंखें हैं तो दज्जाल के पास आंख है एक इसीलिए जिसकी अनंत नेत्र हो उसके सामने एक आंख वाला दज्जाल क्या ही कर सकता है आखिर में इसका अंत ही होना है इसका नाश ही होना है और दूसरी बात आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना कि आपने दज्जाल से बहुत अच्छी तरह से युद्ध किया है और जो युद्ध किया है वो केवल राज्य की मेहर से ही संभव था क्योंकि ये जो दज्जाल है दज्जाल की पहली लड़ाई को हमेशा बचाना चाहिए पहली चोट को बचाना चाहिए दज्जाल की पहली चोट को सुअर की चोट कहा गया है सुअर की चोट कैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गांवों में या जंगल के आसपास रहे होंगे उनको पता है कि जंगली सुअर क्या होता है आप में से कई लोगों ने देखा होगा जंगली सुअर की एक खासियत होती है जब वो बहुत गुस्से में होता है तो बहुत तेजी से दौड़ता है और जब वो दौड़ता है तो उसकी एक खासियत है कि उसकी गर्दन और जो पीठ है उसको जोड़ने की जो संधि वाली हड्डी होती है वो हड्डी नहीं होती है वो इधर उधर नहीं मुड़ सकता है सुअर, तो सीधे दौड़ता यदि जंगली सुअर आक्रमण कर रहा है तो कभी भी सीधे एक जगह पर खड़े नहीं होना चाहिए आप एक मोटे से पेड़ का भी सहारा ले लेंगे उसके चारों तरफ भी घूमते रहेंगे तब भी जंगली सुअर आपका कुछ नहीं कर पाएगा और यदि ऐसा नहीं करते सीधे आक्रमण करने की कोशिश करते तो उसकी गति बहुत तेज होती है और सामने दो दांत होते हैं लंबे लंबे तो वह आपको फाड़ सकते हैं तो ये जंगली सुअर की खासियत है यहाँ दज्जाल की बात भी कुछ ऐसी ही है श्री जी कहते हैं कि जो दज्जाल है उसकी चोट को वैसे ही बचाना चाहिए जैसे जंगली सूअर के पहले चोट को बचाया जाता है अब ये तो ताकत हो गई जंगली सूअर की कि पूरी तेजी के साथ में दौड़ता है लेकिन कमजोरी यह है कि उसकी जो पीठ है पीठ पर यदि कसकर प्रहार किया जाए तो वो मर सकता है इसीलिए श्री जी कहते हैं कि दज्जाल को पहले अब उसकी चोट से अपनी रक्षा करनी चाहिए और फिर उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए यहाँ क्या बताया जा रहा है इसका भाव क्या है दज्जाल की पहली चोट को बचा के उस पर फिर बाद में प्रहार करने का तात्पर्य ये है कि ये जो शरीयती मुसलमान हैं ये अत्यंत क्रूर होते हैं दो तरफा सोच नहीं सकते आप खुद सोचिए कि शरीयत के कारण ही इन्होंने हकीकत राय का बलिदान दिया हकीकत राय कौन थे आप में से कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे मध्यकाल में हकीकत राय नाम का एक बालक था वो पाठशाला में पढ़ा करता था और उस पाठशाला में अधिकांश बच्चे मुस्लिम थे उनमें से किसी एक बच्चे ने हिंदू देवी देवता को गाली दे दी अभद्र शब्द का प्रयोग किया तो हकीकत राय ने सिर्फ इतना कहा कि किसी भी देवी देवता को गाली नहीं देना चाहिए उसने देवी को गाली दी थी तो उसने कहा हकीकत राय ने कि यदि यही बात ऐसी ही बात कोई बेगम फातिमा के विषय में कहेगा तो कैसा लगेगा आपको उसने गाली भी नहीं दी थी केवल इतना कहा था कि कोई फातिमा के विषय में ऐसे शब्द का प्रयोग करेगा तो आपको कैसा लगेगा इस बात को काजी के पास पहुंचाया गया काजी मतलब न्यायाधीश शरीयत का न्यायाधीश तो उसने क्या किया कि हकीकत राय को कह दिया कि क्या तुमने जो कहा है वो सही है हकीकत राय ने कहा हाँ मैंने सही कहा ऐसा ही कहा है तो उसने कहा कि तुम माफ़ी मांगो बोले माफ़ी तो मैं नहीं मांगूंगा मैंने कोई गलती नहीं की है फिर कह अब उसको मृत्युदंड निश्चित कर दिया इतनी सी बात को लेकर के फांसी निश्चित हो गई और अंतिम में भी ये लोभ दिखाया गया हकीकत राय को कि तुम यदि मुसलमान बन जाते हो तो ठीक है हम तुम्हें छोड़ देंगे बख्श देंगे अन्यथा तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे हकीकत राय ने कहा ठीक है मुझे फांसी मंजूर है लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा आप देखिए गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिब जादे हैं उनमें से जहाँ तक मुझे पता है एक की उम्र सात साल है दूसरे की उम्र नौ साल की है ऐसी कुछ है ऐसे दो नन्हे बच्चों को इन्होंने जीवित दीवार में चुनवा दिया जिंदा तो इस तरह के लोगों से दया की भावना रखना दया की अपेक्षा रखना यह एकदम बेवकूफी भरी बात है तो उनकी चोट को बचाने की बात कर रहे हैं कि इनसे सीधे जाके भीड़ना उपयुक्त नहीं है इसलिए उनसे तो बाद में हकीकत और मारिफत के ज्ञान के द्वारा ही उन्हें नतमस्तक किया जा सकता है सीधे शरीयत की तरह लड़ाई नहीं की जा सकती है कहते हैं ये बात तुम समझियो बचाइए सामी चोट सो तो तुम बचाए लई अब होए तुम्हारे कदमों लोट पोट श्री जी कहते हैं कि दज्जाल की पहली चोट को बचाना चाहिए और वो तो आपने बचा लिया है उससे तो आप बच गए हैं अब आपके चरणों में ये लोटपोट हो जाएंगे दाबतुल अर्ज का मजकुर लिखा सलाम तहा छाती लिखी शेर की सींग पहाड़ी बैल स्थाम जो सरियती मुसलमान है वास्तव में देखा जाए तो उनकी जो रहनी है उनकी वास्तविकता ही तो लर्ज़ जैसी है कैसा बताया है सिर पर पहाड़ी बैल के सींग और छाती कैसी शेर की जैसी ये किसका प्रतीक है शेर की छाती कठोरता क्रूरता का प्रतीक है और पहाड़ी बैल का जो सींग है वो झगड़ालू प्रवृत्ति कमजोर को सताने की प्रवृत्ति आपने देखा होगा आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के इतिहास को जानते हैं या दुनिया के इतिहास को जानते हैं जब तक इनकी संख्या आपकी संख्या से कम होती है अल्पसंख्यक होते हैं वहां तक तो चुपचाप शांति से रहते हैं और संख्या जैसे ही बढ़ जाती है तो ऐसे जगहों पर कहीं ना कहीं दंगे भड़काऊ भाषण इत्यादि शुरू हो जाते हैं और सच में संख्या ज्यादा हो गई तो वहां फिर हथियार के बल पर धर्म परिवर्तन शुरू हो जाता है तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पहाड़ी बैल का सींग है झगड़ालू प्रवृत्ति जहाँ मौका देखेंगे वहाँ झगड़ा करेंगे और पीठ लिखी गीदड़ की तुम लड़ना तीन से और इनकी जो पीठ है वो गीदड़ की तरह है धर्म के क्षेत्र में ये धर्म की जिम्मेदारी को नहीं वहन कर सकते और आपको ऐसे दज्जाल से लड़ाई करनी है और ये हालत पूरी दुनिया में है जहाँ कहीं भी कट्टरतावादी मानसिकता के लोग हैं वहां सभी लोगों की अवस्था कुछ ऐसी ही है इसलिए श्री जी कह रहे हैं कि आपको इनसे जो युद्ध करना है वो सीधे नहीं करना है छल पूर्वक युद्ध करना है और वो छल पूर्वक युद्ध का तात्पर्य कैसे है कि पहले आप इनसे इस तरह से बात कीजिए जैसी बात इनको अच्छी लगती है पहले इनका बनना है खुद को खुद को इनका बनाना है और जब आप पर विश्वास करें तो धीरे धीरे आप अपनी बात इनको समझाइए इस तरह से जैसे कि आप इनके गुलाम हैं सारी बात सुननी है और सुन करके फिर जब वक्त आए वक्त आने पर सही बात उनको बतानी है कहते हैं इसके अलावा तो मैं आपको क्या समझाऊं पीछे तो तुम बुद्धवान हो खिजमत कई भांत कहियो, हम रहे तुम्हारे संग श्री जी कहते हैं कि वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान हो आपको बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है आप अपनी सेवा भावना को वहां दर्शाना और जब आवश्यकता हो तो बेधड़क होकर के शालीनता पूर्वक उत्तर देना और कोई भी चिंता मत करना मैं पल पल आपके साथ हूं और यदि काजी शेख इस्लाम कुछ देने की बात करता है दरबार की तरफ से तो कहना कि जो खैरात अथवा जो दान पीरों फकीरों को दिया जाता है आप वही हमें देना उसी से हम अपना गुजारा करेंगे और कहते हैं कि हम गुजराने तिन पर तुम हमारे मुरब्बी मीर उनसे ये कहना कि आप तो हमारे गुरु हैं और ज्ञानी हैं इसलिए हम आपके चरण नहीं छोड़ सकते आपके कदम को नहीं छोड़ सकते इतनी विनम्रता वहाँ पर दिखाना और यदि कुछ देने के लिए कहते हैं तो रहने के लिए एक हवेली की मांग करना खाने के लिए भूख के अनुरूप कुछ मांगना पढ़ने के लिए उनसे कुरान और हदीस की मांग करना तथा उनसे संबंधित और कोई भी ग्रंथ हो तो उनके पुस्तकालय से मंगवा लेना और यदि हो सके तो कुरान की तालीम के लिए किसी काजी को रखवाना और कहते हैं कि जो तुमको न दे वही अपने पने यदि वो जो जाहिर मुसलमान है कुरान को केवल अपना मान करके कि हम दूसरे को नहीं दे सकते ऐसा मानकर आपको ये सब चीजें नहीं भी देते हैं तब भी तुम उनकी खिदमत करना सेवा करना कहते हैं इनका रुचता नाचियो रिझाइयो भली भात जैसे इनको अच्छा लगता है उसी तरह से नाचना और क्या करना इतनी अरज कीजियो बात कहें एकांत और कभी अवसर मिले तो केवल इस बात की अर्जी करना कि हमें एकांत में बादशाह से बात करनी है और साथ ही एक और सावधानी रखना कि कोई भी जो बचपना बुद्धि वाला है बच्चे के जैसी बुद्धि रखता है तुच्छ मानसिकता रखता है तो ऐसी छोटी सोच वाले संकीर्ण विचारधारा के लोगों से दूरी बनाए रखना और यदि कभी उनसे बात करने की नौबत आए तो भारी करके उनको सम्मान दे करके बुलाना क्योंकि जो छोटी सोच के लोग हैं वो लड़ने का झगड़ने का बहाना ढूंढ दूड, ढूंढते रहते हैं एक बार क्या हुआ कि एक नदी में शेर पानी पी रहा था शेर पानी कैसे पिता चाट करके है ना और नदी का बहाव जिस तरफ थोड़ी दूरी पर वहाँ भेड़ का बच्चा भी पानी पी रहा था तो शेर ने कहा मैं तुम्हें खा जाऊँगा मैं तुम्हें मार डालूँगा भेड़ ने कहा कि आप मुझे क्यों मारेंगे तो कहता है कि तुमने मेरे पानी को जूठा कर दिया है तो भेड़ ने कहा कि देखिए मैं तो आपसे नीचे पानी पी रहा हूं आप जो पानी पीते हैं उसके बाद जो जूठा मेरी तरफ आता है मैं उसको पी रहा हूं जूठन ऊपर की तरफ कैसे जा सकता है तो कहता है कि चलो तुमने नहीं किया पर तुम्हारी माँ ने पहले ऊपर पानी पिया था वो जूठा था वो पानी जूठा हो गया था तुमने नहीं किया तो क्या हुआ तुम्हारी पीढ़ी में किसी ने तो किया है ना इसलिए मैं तो तुम्हें मार डालूंगा तो ये जो छोटी सोच की मानसिकता से ग्रसित लोग हैं वे भी ऐसे ही होते हैं लड़ने का झगड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं इसलिए इनसे हो सके तो दूरी बनाए रखना और कभी व्यवहार करना पड़े तो बहुत ही सम्मानपूर्वक व्यवहार करना जैसे कहते हैं ज्यों बुलाओ अपने लड़के को ए जवाब करो तुम जो सवाब तुम लेते हो तो अरज सुनावे हम जैसे अपने बच्चों को बुलाते हैं बहुत प्रेम से बात करते हैं इसी तरह से बात करके जब वो तुम्हारी बात सुने तो कहना कि आप हमारे प्रश्नों का समाधान दे दीजिए और जब वे तुम्हें अपनी बात कहने के लिए कहें तब भी तुम उन्हें काजी हजरत जैसे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना और उनको समझाना कि आप हमारी बात को एकांत एक में सुनिए और समझिए और क्या बात समझाना कहते हैं जो कोई आवे हमारा ताय सनंदे कुरान वो आकिन लियावे रसूल पर जिनको होए पहचान उनको ये वास्तविकता समझाना कि जितने भी हिंदू मत को मानने वाले लोग हैं वे सनंद इत्यादि सुनेंगे समझेंगे तो मोहम्मद साहब की वास्तविकता को पहचान लेंगे क्योंकि केवल शब्द का और भाषा का भेद है जैसे हम मुहम्मद साहब पर ईमान लाए हैं वैसे ही दूसरे लोग भी ला सकते हैं पर जैसे तुम चाहते हो कि जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ाया जाए जबरदस्ती किसी को गाय का मांस गोस्त हिलाकर के मुस्लिम बनाया जाए उनकी भावनाओं को आहत किया जाए तो इस तरह से नहीं हो सकता ये बात पूरी तरह से समझाना और कहते हैं कि एक ठोर जाग लेके होने दो तुम तब होवे उन उन्हें पहचान तब फुरमाया करे सब कुम उनसे कहना कि वे तुम्हारे लिए एक रहने की व्यवस्था कर दें और वहाँ से कहना कि हम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसलम की पहचान देंगे जो भी लोग हमसे बात करने के लिए आएंगे हम उन्हें मोहम्मद साहब की वास्तविकता की पहचान कराएंगे और जिन्हें वास्तव में पहचान होगी तो वो आपकी सारी बात मानेंगे और ये सारी बात बताना कि किस तरह से आपने शेख सलेमान से मुलाकात की पहचान मुल, मुलाकात का प्रयास किया था मुलाकात करके शेख सलेमान को श्री जी के स्वरूप की या इमाम मेहदी की पहचान कराने की कोशिश की थी तो ये सारी बात उनको धीरे धीरे करके बताते जाना और कहते हैं कि पीछे तुम निकलोगे हटे ना कोई पीछे सब दौड़ेंगे आप पैसे बैठने इस्लाम में कुछ समय के बाद ये तो पक्का है कि आप उस नजरबंद से उस कैद से निकल जाओगे और निकलने के बाद भी मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कोई भी धर्म की राह में समर्पण की राह में पीछे नहीं हटेगा और आपकी रहनी को देखकर आपके आचरण को देखकर बाकी लोग भी अपने आप दौड़ने लग जाएंगे और दूसरी बात क़यामत के विषय में मोहम्मद साहब ने जो बात लिखी है वो तो निश्चित ही पूरी होगी तो उसमें किस तरह से जागनी होगी ये सारी बात बताई है और कहते हैं कि मैंने श्री महराज तिन को दिया रसूल पर ईमान पर हम पर कसाला पड़ा ताथे हटे न लियावे पहचान उनसे कहना जो जाहिरी मुसलमान हैं वहाँ के दरबारी कि किस तरह से मैंने तुम्हें रसूल साहब की मोहम्मद साहब की पहचान दी है और वो पहचान जब तुम वहाँ सुनाने गए दरबार में औरंगजेब के तो तुम पर कसाला दिया गया खुद को पूछ के काजी मनावे तुम्हारा मन तुम जानो त्यों समझाओ जो दाखिल होवे इन यदि काजी शेख इस्लाम अपने तरफ से बात करता है बादशाह सलामत से और फिर तुम्हारी बातचीत की व्यवस्था कर देता है वो राज़ी हो जाता है तो फिर आपको जिस तरह से उचित लगे इस तरह से अब तक जैसे मैंने आपको समझाया है उसको पढ़ करके उससे उसको समझ करके जैसा उचित लगे उस तरह से बात करना और कहते हैं चाहिए कुवत हक सुबहान की फ़कीर करत जो काम सो तो सब हिकमत से रास होवे इन ठाम कहते हैं कि धर्म के स्वरूप की पहचान करने के लिए और कराने के लिए कुवत चाहिए कुवत कहते हैं शक्ति कौन सी शक्ति परब्रह्म की कृपा चाहिए जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती कोई आध्यात्मिक शक्ति के बिना धर्म के वास्तविक स्वरूप का प्रचार नहीं कर सकता है देखिए एक होता है कि मौखिक रूप से कोई बात बता देना पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई रटी रटाई चीजों को बता देना और वो भी कब तक जब तक आपकी परिस्थिति अनुकूल है आपको बना बनाया मंच मिल जाता है जुटे जुटाए श्रोता मिल जाते हैं तब आप बोल लेते हो तो यह आध्यात्मिक शक्ति नहीं है यह तो आपने परिस्थिति के हिसाब से सीखा है पर आध्यात्मिक शक्ति तो उसको कहेंगे कि जहां सच्चे धर्म का प्रचार किया जाए कैसे जब परिस्थिति प्रतिकूल भी हो जब कोई साथ देने वाला भी ना हो तब ऐसी अवस्था में अकेले भी करने की जो हिम्मत करता है समाज के विरोध के बावजूद भी कोई करने की हिम्मत करता है तो वह आध्यात्मिक शक्ति है ये परमात्मा की कृपा है अन्यथा दुनिया की आदत तो कैसी है दुनिया विरोध करना नहीं जानती है दुनिया हां में हा मिलाना जानती है पुरानी परंपराओं के हिसाब से चलना जानती है यदि आप कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो उनकी परंपरा के विरोध है तो दुनिया विरोध करेगी उसमें यदि आप विचलित हुए बिना काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे लोग आपकी बात का कुछ स्वीकार करेंगे देखिए किसी महापुरुष ने कहा पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है उसके बाद विरोध होता है और उसके बाद लोग धीरे धीरे उसके प्रशंसक बन जाते हैं और फिर उसके बाद वही उसका प्रचार भी करने लगते हैं आज तक दुनिया में जितने भी सिद्धांत चले हैं नए बन करके उन हर सिद्धांत के साथ ऐसा ही हुआ है चाहे गौतम बुद्ध की बात ले लीजिए गौतम बुद्ध ने भी जो सिद्धांत दिया होगा पहले के लोगों ने उसका विरोध अवश्य किया मजाक अवश्य उड़ाया श्री देवचंद्र जी ने जो करना शुरू किया उनका भी विरोध हुआ श्री जी जो जागनी कर रहे थे उनका भी जगह जगह पर विरोध किया गया दुनिया में जितने महापुरुष हैं चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती जी को देख लीजिए सबका प्रारंभ में विरोध होता है या मजाक बनता है बाद में धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लग जाते हैं तो यहां पर भी कहते हैं कि उस विरोध को झेलकर यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो ऐसा कार्य करने के लिए परमात्मा की कृपा चाहिए कहते हैं सो तो हो सब हिकमत से रास होवे इन ठाम आप जो ये जागनी का कार्य कर रहे हैं ये परमात्मा की कृपा से ही और युक्तिपूर्ण तरीके से ही संभव है सीधे करके मूर्खतापूर्ण तरीके से नहीं बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से करना चाहिए कहते हैं जोर से कीजिए मुसलमान तो साफ न होए दिल उन आप किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं तो किसी के भी मन में आपके भले ही उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया हो नमाज पढ़ना शुरू कर दिया हो जबरदस्ती किए गए धर्म परिवर्तन में उस मत के प्रति उस संप्रदाय के प्रति सच्ची भावना नहीं होती है सम्मान की भावना नहीं होती है ये तो मजबूरी में किया है और लोग अंदर ही अंदर कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसकी जड़ को उखाड़ा जा इसलिए आप उन जाहिरी मुसलमानों को समझाना कि कभी भी जोर जबरदस्ती से किसी को मुसलमान नहीं बनाना चाहिए धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए कहते हैं तिस वास्ते तुम जब के बुलाओ लड़के तब समझाओ को पीछे बुद्ध माफक करियो सुंदर साहद जी आप इसका ध्यान अवश्य रखना इस बात का कि जब भी किसी को बुलाना पड़े तो बहुत प्रेम पूर्वक बुलाना जैसे आप अपने बच्चों को अपने संतान को बुलाते हैं और जब आपके पास आए तो आप बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से अपनी बात कहिए और एक साथ बहुत सारी बातें बताना भी पूर्ण नहीं है बुद्धिमानी नहीं है धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके उनको बताइए और दूसरा श्री जी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी बात हुई है कहते हैं हमारे मन में तो ये इच्छा थी कि हम हिंदुओं की वेशभूषा धारण करके ही दरबार में प्रवेश करें अपना भी भेष राख के काम करने की थी आस लेकिन यह संभव नहीं हो पाया और हमें हिंदुओं के वेश का त्याग करना पड़ा क्योंकि हिंदुओं के वेश में जाते तो ये जो कट्टरवादी जो शरीयती मुसलमान हैं वे विश्वास ही नहीं करते इसलिए आपको वस्त्रों को बदलने की आवश्यकता पड़ी वेशभूषा को बदलने की आवश्यकता पड़ी लेकिन फिर भी कभी भी आप अपनी वास्तविकता को लेकर के शर्म मत करना कहते हैं तुम हिंदुओं के वेश से जिन करो शर्म आपने जो अपने वेश का त्याग किया है इस बात का संकोच बिल्कुल भी मत करना क्योंकि आपने तो पहले ही संकोच अर्थात लोक लाज मर्यादा के बंधन को त्याग कर रखा है और यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हिंदू हो और आपकी वेशभूषा के कारण आपको शर्मिंदा करता हो तो आप उसको स्पष्ट जवाब दे देना जवाब कैसे देना कहते हैं तीन कांड वेद वेदांत के वल्लभाचार्य के मत शंकराचार्य ने क्या कहा क्या कहिया गीता में आप उन्हें समझाना कि वेद वेदांत के जो तीनों कांड हैं तीन कांड कौन कौन से कर्म उपासना और ज्ञान कांड तो वेद वेदांत में जिनमें इन तीनों कांडों का वर्णन किया है उन्होंने इस विषय में क्या कहा है क्या कहीं पर किसी भी धर्म ग्रंथ में वेशभूषा को लेकर के बात की है कि इस वेशभूषा से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं इस वेशभूषा को धारण करने से ही धर्म किया जा सकता है अन्यथा नहीं हो सकता ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है और वल्लभाचार्य जी के मत को देखना तो वल्लभाचार्य जी के मत से आप बताना शंकराचार्य जी ने क्या कहा है आदि शंकराचार्य जी ने गीता की वाणी क्या कहती है तो आप सारी बातों का प्रमाण देकर के उनको समझाना इसके दो भाव हैं पहली बात कि जिन जिन ग्रंथों का नाम लिया गया उन ग्रंथों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि इस प्रकार की विशेष वेशभूषा को धारण करने से ही धर्म होता है अन्यथा धर्म नहीं होता है तो आप प्रमाण से भी साबित कर सकते हैं और दूसरा जो लोग केवल वेशभूषा को लेकर के आपको बता बोलेंगे कि आपने तो धर्म त्यागा है आप अब हिंदू नहीं रहे जब आप उनके सामने हिंदू धर्म ग्रंथों से बात करेंगे उन्हें तो धर्म ग्रंथ के विषय में पता भी नहीं होगा आज भी जितने लोग निजानंद संप्रदाय का विरोध करते हैं सुंदर साथ का विरोध करते हैं यह कहते हुए कि तुम हिंदू नहीं हो तुम तो मुस्लिम हो तुम बार बार कुरान की बात करते हो मुहम्मद की बात करते हो इनमें से कोई भी व्यक्ति उतना हिंदू नहीं होगा जितना निजानंद संप्रदाय में है हम तो राज्य की मेहर से हम वेद भी पढ़ते हैं दर्शन उपनिषद भी पढ़ते हैं हमारे तो ज्ञानपीठ के सिलेबस में संस्कृत अनिवार्य है वाणी भी तक तो हम पढ़ते ही हैं पर संस्कृत हमारा एक अनिवार्य विषय है हम वाणी में स्वयं भी कहते हैं कि त्रैलो की मेरे उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म हम वेद आया देवन पे असुरन पे कुरान कहने की हिम्मत रखते हैं तो हमें कोई ये नहीं कह सकता कि आप हिंदू नहीं हो और जो ये कहता है पहली बात तो ये है कि उन्हें हिंदू धर्म की जानकारी ही नहीं है कि हिंदू धर्म किसे कहते हैं पहली बात तो यह कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं आप चार वेद छह दर्शन एकादश उपनिषद गीता महाभारत रामायण या अठारह पुराण कहीं पर भी हिंदू शब्द दिखा दीजिए कि हमारा धर्म हिंदू है हमें तो सनातन मत का अनुयायी कहा जाता है हम सनातनी है और हमारा सर्वप्रमुख ग्रंथ कौन सा है वेद है और हम उसी वेद के आधार पर एक परमात्मा की उपासना करते हैं हमने कभी वेद के अस्तित्व को नहीं नकारा और जो आज बड़े बड़े हिंदू बने बैठे हैं वे वेद के विरुद्ध ही सारे काम करेंगे बलि प्रथा वो चलाते हैं बहुदेववाद की उपासना वो करते हैं वेद के विरुद्ध जाकर के जड़ पूजा वो करते हैं और उसके बाद कोई कहे कि तुम बड़े हिंदू या फिर हम बड़े हिंदू तो इसीलिए श्री जी ने इस तरह से कहा कि आप उन्हें वेद वेदांत शंकराचार्य जी वल्लभाचार्य जी या गीता के मत से समझाना इसकी वास्तविकता को बताना कि किस तरह से आदित्य पुराण में भागवत में कैसा लिखा है और वही वास्तव में धर्म का मार्ग है आगे कहते हैं तोलो मत सबन की और अलेह सलाम ज्यादा कम है किनकी सब मिल बैठे इन काम इन ठाम कहते हैं सबसे पहले आप हिंदू धर्म ग्रंथ की और हदीसों की बात की तुलना करो सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो कि कौन से ग्रंथों की पहुँच कहाँ तक है यदि तारतम ज्ञान से आप देखते हैं तो पता चलेगा कि वाणी में ही वेद और कतेब दोनों के रहस्य समाहित तो हो चुके हैं वाणी में वेदों का रहस्य भी है और वाणी में ही कतेब पक्ष का रहस्य भी है और कोई हिंदू व्यक्ति यदि आपसे आकर के इस तरह की बहसबाजी करता है तो आप उसे नबी और नारायण की सनद मुँह पे मारना पे मारने का तात्पर्य कठोर शब्दों में उन्हें कहना कि नबी की पहुंच कहां तक है नबी किसे कहते हैं और नारायण किसे कहा गया है हिंदू और मुसलमानों में विरोध का तो मुख्य कारण क्या है ज्ञान विरोध का मुख्य कारण नहीं है यदि दोनों मत के ज्ञान को पढ़ा जाए समझ करके मान लीजिए कि प्रत्येक हिंदू व्यक्ति को उर्दू अरबी आती हो और वो कुरान पढ़े और साथ में गीता तथा अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़े तो दोनों में लगभग एक जैसी बातें देखने को मिलेगी मैं देखिए किसी को सही और गलत कहने से अच्छा ये है कि दोनों की समीक्षा कर दी जाए जैसे हिंदू धर्म में या हिंदू मत में जिसको धर्म कहा जाता है उसमें स्वर्ग की बात की जाती है स्वर्ग के अप्सराओं की बात की जाती है करते हैं कि नहीं इसी तरह से मुसलमान जन्नत और हुरों की बात करता है हाँ कुरान में मिलावट हुई है तो वहाँ इसका अर्थ विकृत रूप में किया जाता है पर आप पुराण उठा करके देख लीजिए तो पुराणों में क्या उस तरह की बातें नहीं है जो लोग ऐसी बात करते हैं ना उन्होंने ना कुरान पढ़ी है ना पुराण पढ़े हैं आप पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसी ऐसी विकृत बातें देखने को मिलेंगी तो विकृति दोनों में है हाँ जब आप वेदों को देखेंगे वेद धर्मयुक्त बात करते हैं धर्म सम्मत बात करते हैं क्योंकि जो वेदों में कहा है वही धर्म है इसी तरह से कुरान में जो मिलावट नहीं की है बिना मिलावट की यदि आयतें आपको मिले और उसका सही अर्थ किया जाए तो उसमें जो बात बताई गई है वो सही ही होगी तो इस तरह से जो झगड़ा है वो धर्म का नहीं है ज्ञान का नहीं है झगड़ा है रस्म का रस्म किसे कहते हैं परंपरा अब परंपरा में ही तो आता है ना वेशभूषा और भाषा का जिक्र किस में आता है परंपरा में ये धर्म नहीं है धर्म तो धारण करने का विषय है चेतना का विषय है और परंपरा शरीर का विषय परंपरा भौगोलिक परिस्थिति पर आधारित होती है परंपराएं कई बार अज्ञानता के आधार पर होती है देखिए एक पीढ़ी की जो मूर्खता है वो दूसरे पीढ़ी में परंपरा बन जाती है एक पीढ़ी की जो मूर्खता है वो दूसरी पीढ़ी में परंपरा बन जाती है जैसे मैंने कई बार ये दृष्टांत दिया है एक पंडित जी थे उनके घर में बिल्ली पाली हुई थी तो जब भी पूजा करनी होती थी वो क्या करते थे बिल्ली को एक जगह पर बांध देते थे अपने पास ही और फिर पूजा संपन्न करके फिर बिल्ली को खोल देते थे ताकि पूजा के बीच में वो इधर उधर बर्तन वर्तन ना गिराए या फिर जो खाद्य पदार्थ है उसको जूठा ना करे तो वो बिल्ली को बांधते थे अपने पास में मंदिर के पास में और फिर पूजा करते थे अब हुआ क्या कि उन पंडित जी का जो बेटा था वो इस चीज को देखता था उसने पिताजी को पूछा भी नहीं और सोचा भी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं उसने देखा कि ये तो पूजा करने से पहले बिल्ली को बांध रहे हैं अब उसने मूर्खता की पिताजी की मृत्यु के बाद अब वो पुजारी बना घर पे बिल्ली नहीं थी तो पड़ोसी से बिल्ली मांग के लेके आता था पूजा से पहले केवल पूजा के समय के लिए बिल्ली मांग के लेके आता था और मंदिर के पास बांध करके फिर वो पूजा करता था और फिर खोल के पहुंचा देता था तो ये पहली पीढ़ी की मूर्खता है उसके बाद क्या हुआ उनका जो बेटा हुआ उसके लिए तो वो परंपरा बन गई ना इस लड़के के लिए जो पहली पीढ़ी में था उसने मूर्खता की उसके बेटे के लिए वो परंपरा बन गई और हर परंपरा के लिए इसी तरह की बात से हम समझ सकते हैं इसी तरह के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कोई भी परंपरा चलती है तो इसी तरह से शुरुआत होती है धर्म के अतिरिक्त चाहे भोजन का सिस्टम हो चाहे सोने की बात हो चाहे कोई भी बात हो बहुत सारे अंधविश्वास हैं इनकी शुरुआत ऐसे ही होती है तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि श्री जी कह रहे हैं कि ये जो विवाद है ये जो झगड़ा है ये ज्ञान का ज्ञान के कारण नहीं केवल रीति रिवाज के कारण है और रीति रिवाज भाषा के कारण वेशभूषा के कारण और भौगोलिक परिस्थिति के कारण होती है जैसे हमारे यहाँ जिस प्रकार का खान पान है वो सब यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के कारण है आप जितनी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे वहां का भोजन थोड़ा अलग होता है आप मान लीजिए कि राजस्थान की तरफ चले जाएंगे राजस्थान में खाने में क्या प्रसिद्ध है दाल बाटी बोलते हैं ना राजस्थान में अब दाल बाटी की शुरुआत कैसे हुई किसी को पता भी है पुराने समय में कई बार क्या होता था कि जितने भी राजस्थान के सैनिक हैं राजस्थान बहुत लंबे समय तक युद्धों से जूझता रहा है मुग़ल मुगलों से जब से विरोध किया चाहे वो दुर्गादास राठौड़ हो चाहे फिर उ, उनसे पहले महाराणा प्रताप हो, तो कई बार क्या होता था कि भोजन की तैयारी कर रहे होते थे अचानक से यदि दूसरी सेना विरोधी सेना हमला कर देती थी तो जैसे आटा वगैरह तैयार है उनको वो लोग फटाफट भट से छिपा करके जाते थे युद्ध के लिए बाद में आकर के देखते थे तो क्या होता था वो आटा थोड़ा पका हो जाता था या थोड़ा गर्म होता था अब युद्ध में थके हारे भूखे मांदे आए हुए वो खा लेते थे थोड़ा अच्छा लगता था स्वादिष्ट लगता था और उसके बाद फिर वैसा ही बना करके खाने की परंपरा वहां पर चालू हो गई अब यही काम आप पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं कर सकती क्योंकि वहां पहली बात तो वैसी बालू नहीं होती दूसरा वैसी गर्मी नहीं होती वहां वहां की जलवायु के हिसाब से वैसे ही भोजन की प्राप्ति होगी आप उत्तर प्रदेश में हैं उत्तर प्रदेश की जैसी जलवायु होगी यहां पर भोजन वगैरह वैसा ही होगा मान लीजिए यहां पर गन्ने की खेती बहुत अधिक होती है तो यहां प्रत्येक भोजन में गुड़ अथवा किसी न किसी प्रकार की मिठाई शामिल होती है या फिर यहां पर क्या अच्छा माना जाता है जैसे दाल चावल या फिर चावल के साथ में घी और बूरा ठीक है क्योंकि यहां पर गन्ने की अधिकता है इसी तरह से आप गुजरात चले जाएंगे वहां किसी भी तरह का भोजन हो उसमें आपको मूंगफली मिल जाएगी गुड़ भी आपको उसमें मिल जाएगा मिठास तो ये सब जो चीजें हैं भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर होती है इसको धर्म से नहीं जोड़ लेना चाहिए अब होता क्या है कि ये हुई भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर लेकिन मान लीजिए कि कहीं पर कोई काल्पनिक देवी देवताओं हो की रचना कर लेते हैं लोग तो वहां क्या करेंगे एक बात मैं आपको बताता हूं एक दो उदाहरण देता हूं आपको बात समझ में आएगी जैसे महादेव हैं तो उज्जैन में एक मंदिर है शिवजी का बहुत बड़ा बहुत प्रसिद्ध मंदिर उसको कहते हैं महाकालेश्वर उस महाकालेश्वर के मंदिर में लोग शराब चढ़ाते हैं क्यों चढ़ाते हैं पता यहां चढ़ाने का तात्पर्य है अर्पण करने से त्याग करने से भाव ये रहा था कि आज से मैं ये शराब त्याग रहा हूं छोड़ रहा हूं शुरुआत में जिन्होंने किया उसी भाव से किया बाद में लोगों ने उस चीज को बिना समझे परंपरा क्या बनाई कि लोग वहां ले जाकर के चढ़ाते और फिर वापस अब प्रसाद समझ के ग्रहण करने लग गए अब क्या हुआ पहले तो फिर भी शराब समझ के पी रहे थे छुड़ाना आसान था अब तो वो प्रसाद हो गया है प्रसाद कैसे फेंक दें तो ऐसी परंपरा की शुरुआत होती है हर प्रकार के नशे की ये जो विभिन्न प्रकार के देवी देवता है उन देवी देवताओं को अलग अलग तरह के नशे कराए जाते हैं ना शिव जी को कहीं पर तो भांग चढ़ाया जा रहा है कहीं पर गांजा चढ़ाया जा रहा है ये उनके खाने के लिए नहीं था ये था हमारे त्याग के लिए कि आज से हम आपके नाम से ये सब चीजें छोड़ रहे हैं लेकिन लोगों ने इसको नहीं समझा इसी तरह से रस्म रिवाज परंपराएं चलती है कहते हैं जब फुरमान के मायने जाहिर खोले परवर दिगार अब जब स्वयं परवरदिगार अक्षराती श्री प्राणनाथ जी ने कुरान के मायने वेद कतिब के रहस्यों को खोल दिया है तो क्या होगा कि रस्म रिवाज के नाम पर जो हम अभी बात कर रहे थे परंपराओं के नाम पर जो लोग लड़ रहे थे आपस में मर मिट रहे थे वे सभी जो है अपना अपना गुमान समाप्त करके अपना अपना अहंकार समाप्त करके एक परमात्मा की पहचान कर लेंगे और झगड़ा मिट जाएगा और तारतम ज्ञान के अवतर से पहले अवस्था कैसी थी सब लोग अंधेरे को पकड़ के बैठे थे और अंधेरे के कारण क्या होता है अंधेरा मतलब अज्ञानता का और जहां अज्ञानता होती है वहां अहंकार होता है है ना योगदर्शन में क्या कहा है अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये पांच क्लेश हो गए ना उन पांच क्लेशों में सबसे पहले अविद्या है अविद्या से अस्मिता तो यहां अविद्या मतलब अज्ञानता अस्मिता मतलब अहंकार जहां अज्ञानता है वहीं पर अहंकार है जब व्यक्ति को कुछ नहीं आता तो उसको लगता है कि वो सब कुछ जानता है और जब व्यक्ति जितना अधिक जानता है उसको लगता है कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं पता मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं तो इसलिए कहते हैं कि जब तक अहंकार था जब तक अज्ञानता थी तब तक अहंकार था और जब श्री प्राणना जी का ज्ञान जाहिर हो गया तो सबका अहंकार समाप्त हो गया सब लोग गल गए अर्थात समर्पित हो गए यह हो गए जो है वाक्यों का प्रयोग भूतकाल में किया गया है पर जो संकेत है वो भविष्य काल की तरफ है कि जब प्राणा जी का ज्ञान जाहिर हो जाएगा तो ऐसा होगा और सब लोग उस अवस्था में कैसे सिर नीचा करके शर्मिंदा होकर के शर्मिंदा किस बात को लेकर के कि हम तो बिना ज्ञान के अहंकार में ही जिए जा रहे थे जैसे मान लीजिए कि कोई छुटवैया खिलाड़ी है और किसी वजह से उसको बड़े मौके पर खिलाया जाता है खेलने से पहले बड़ी बड़ी बातें कर दी उसने बड़े बड़े दावे किए उसको पता ही नहीं है उसने कभी टेनिस बॉल के अलावा कुछ कभी खेला भी नहीं है उसको लेदर बॉल क्रिकेट में डाल दिया गया और सामने आए ब्रेटली और सोएब अख्तर जैसे बॉलर और पहले ही बॉल पे वो हिट विकेट होके चला गया क्या होगा पहले क्योंकि बड़े बड़े बोल बोले थे उसने अहंकार के कारण जब उसको पता चला कि नहीं असलियत तो मेरी कुछ और ही है मैं कितना पानी में था पता चलेगा तो उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा इसी तरह से जिनको धर्म का कुछ ज्ञान ही नहीं और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं ऐसा सही है वैसा गलत है करके समझा रहे हैं जब उनको प्राणनाथ जी की वाणी से वास्तविकता का पता चलेगा तो क्या होगा उन्हें भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी और ऐसे में जिन्होंने प्राणनाथ जी की वाणी को जाहिर किया है ऐसे सुंदर साथ के लिए कहते हैं तुम सिर ऊंचो देखियो जिन नीचा देखो तुम आप कभी भी नीचा मत देखना आप हमेशा अपने सिर को ऊंचा रखना स्वाभिमान में रखना क्योंकि आपने बहुत ही महान कार्य किया है कहते हैं आपने इतना महान कार्य किया है कहते हैं गोविंद भेड़ा बालक गोविंद भेड़ा तुम जानत ताको बल न चले लगार जिसको आप गोविंद भेड़ा के नाम से जानते हैं अब उसका बल ही नहीं चलेगा एक पांच बरस को बालक ए ताए न सके मार अब गोविंद भेड़े में इतनी भी ताकत नहीं है कि कोई पांच वर्ष के बालक को भी मार दे अन्यथा गोविंद भेड़े की शक्ति तो इतनी बताई जाती थी ये एक आलंकारिक दृष्टांत है आपने पहले भी सुना हुआ है मैं फिर भी दोहरा रहा हूं प्रसंग के अनुरूप कि एक गोविंद पटेल नाम की कोई मंडली थी वो जब मरा उसने एक ऐसा मायावी बाजार बना लिया कि उधर से जो कोई भी गुजरता था उस मायावी बाजार में आकर्षित हो जाता था उसने ऐसी प्रेत मंडली बनाई थी और कोई भी व्यक्ति उस मायावी बाजार में से आकर्षित तो होकर के वहां की किसी भी वस्तु को छू देता था छूते ही वह भी प्रेत बन जाता था और उसके वश में हो जाता था तो तीन साधु वहां से गुजर रहे थे लंबी लंबी दाढ़ी वाले तो पहले से ही सब जानते थे कि ये गोविंद पटेल की मंडली ऐसी है प्रेत योनी है इसको छूना नहीं है ये तो केवल छलावा है तो आगे सबसे आगे जो साधु जा रहे थे उन्होंने पीछे वाले दोनों साधु को बता रखा था कि तुम मुझे देखते देखते आना आगे पीछे कहीं दाएं बाएं मत देखना और सीधे चलना दोनों ने कहा ठीक है अब पहले वाला साधु तो सीधा चलते गए और उस मंडल को पार कर लिए उसकी सीमा को वाह पहले वाले साधु की देखा देखी दूसरे वाले साधु ने भी उस सीमा को पार कर लिया जो सबसे पीछे वाला साधु था वो भी पार तो कर ही रहा था लेकिन अंतिम दुकान से निकलते निकलते वहां पर एक बहुत अच्छा कोई कपड़ा दिखा तो वो कहता है कि अब तो मैं बाहर निकल ही गया हूं अंतिम है यहां से लेकर के बस पार हो जाऊंगा लेकिन जैसे ही छुआ शर्त तो न छूने की थी ना तो जैसे ही उसको छुआ वो तुरंत प्रेत योनि में शामिल हो गया ये जो तीन साधु हैं तीन सृष्टि के प्रतीक हैं पहली ब्रह्म सृष्टि इधर उधर देखे बिना माया रूपी गोविंद पटेल की मंडली को पार कर लेती है ईश्वरी सृष्टि भी ब्रह्म सृष्टि के पीछे पीछे चल करके माया को पार कर लेती है लेकिन जीव सृष्टि किसी न किसी तरह से माया में फंस ही जाती है अब यहाँ इतने बड़े बड़े साधुओं को फंसा रहा है ये गोविंद पटेल की मंडली यहाँ पर श्री जी कह रहे हैं एक पांच बरस को बालक ए ताए न सके मार अब तो गोविंद पटेल की मंडली में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो पांच वर्ष के बालक को भी मार सके अब किसी के पास यदि तारतम ज्ञान है तो ऐसे पांच वर्ष के व्यक्ति को भी यदि केवल राजमा जी जी बोलना भी आता है केवल तारतम की चौपाई भी याद है फिर भी यदि उसमें वासना होगी तो राज्य की कृपा से ऐसे माहौल में वो चला जाएगा कि उस पर माया का असर ही नहीं होगा और कहते हैं कि आप तो केवल पांच साल के नहीं हो आप तो कैसे हो एक दूसरे से सिरदार एक दूसरे से सिरोमणि हो गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करें हके पहले किए खबरदार राज्य ने आपको पहले ही खबरदार कर दिया है सावचेत कर दिया है और दूसरी बात आप तो अकेले नहीं हो आप बारह बारह सुंदर साथ हो और कहते हैं अब तो तुम जने बार हो पीछे मिलसी बारह हजार बाद में बारह हजार सुंदर साथ इस समूह में शामिल होने वाले हैं अर्थात जागृत होने वाले हैं और जब सब लोग जागृत हो जाएंगे प्रत्येक गांव में देश विदेश में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सभी लोग आपके चरणों की वंदना करेंगे क्योंकि आप ही की कृपा से यह ब्रह्मवाणी उन तक पहुंची है जन जन तक पहुंची है श्री जी यहाँ उस प्रत्येक सुंदर सात को शोभा दे रहे हैं जो ब्रह्मवाणी के प्रचार में अपना सर्वस्व लगा देते हैं उन सुंदर सात की महिमा भी ऐसी ही होगी इसीलिए कहते हैं आप अपनी दृष्टि को अपने लक्ष्य पर ही टिकाए रखना इधर उधर मत भटकाना और यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस कामा पहाड़ी में कामा पहाड़ी में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ नहीं रहना चाहिए तो मैं यहाँ से जा कर के निकल कर आस पास के दूसरे जो हिंदू राजा हैं उनको जगाने की कोशिश करूँगा उनको जगा कर के आपके सहयोग के लिए मैं सेना तैयार करूँगा कोई ऐसे हिंदू शक्तिशाली राजा को तैयार करूंगा जो औरंगजेब के विरुद्ध में मोर्चा ले सके और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं निकलना निकलना है तो मैं उसी हिसाब से निर्णय लूंगा और कहते हैं कि कामा पहाड़ी से निकलने का जो विचार है वो तो तब उचित है कि यदि जो मुसलमान हैं फिर से आपके साथ में इस तरह की बात करते हैं दुर्व्यवहार करते हैं तब तो मैं निश्चित रूप से यहाँ से निकल के जाऊंगा और मैं किसी न किसी हिंदू राजा को जगाऊंगा तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार जो इश्क देखेंगे यह तरफ परवर दिगार जब संसार के लोग अक्षराती धामधनी की वाणी को देखेंगे और उसमें भी आपके मुखारविंद से यह ब्रह्मवाणी प्रेम पूर्वक निकलेगी तो आपकी वाणी को देख करके आपकी रहनी आपकी चाल को देख करके सब कोई धन्य धन्य कहेंगे और आपके जोश को आपके ज्ञान के जोश को प्रेम के जोश को देख करके ये जो शरियती लोग हैं कट्टर लोग हैं ये तो बिना मारे ही मर जाएंगे मर जाएंगे अर्थात तो आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे यदि किसी ने भी आपके जोश को सच्चे दिल, दिल से देखा तो आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे और कहते हैं सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए कि औरंगजेब ने हमारी बात को इसीलिए शायद अनसुना कर दिया क्योंकि एक तो उसकी जो नज़र है वो ऊपरी है एक तो नज़र ऊपर की दूजी बात उनकी ना पहचान उसे नहीं कोई भी बातें पता नहीं है वो क़यामत को भी कैसे देख रहा था कि सच में कोई दज्जाल आएगा मुसलमान क्या करते हैं नमाज पढ़ते समय वो जो दाया बाया गर्दन घुमाते हैं ना उसका कारण क्या है वो देखते हैं कि कहीं जाल तो नहीं आ रहा है इसलिए वो सावधान रहते हैं तो इस तरह से जाहिरी नजर थी और दूसरा कि उन उसके जो दरबारी थे औरंगजेब के उन दरबारियों ने भी बादशाह के मन में शंका संशय पैदा कर दिया कि ये जो लोग हैं अर्थात आप सब सुंदर सा किसी ने किसी तरह से धोखा करने आए हो हिंदू होते हुए मुसलमानों का वेश धारण करने आए और तीसरी बात ये भी थी कि औरंगजेब सोचता था कि यदि इमाम मेहंदी जाहिर हो गए तो शरीयत का राज्य समाप्त हो जाएगा और कहते हैं कि जो मुसलमान है वो बाहरी अर्थ में इस तरह से लेते थे कि जब ईशारू अल्लाह और इमाम मेहंदी का आगमन होगा और उनके समय में जो मोमिन होंगे वो जो लड़ाई होगी दज्जाल के साथ वो जाहरी होगी मुसलमान क्या सोचते थे वे लड़ेंगे तलवार सो बड़ा युद्ध होवेगा दारुण ऐसा दारुण करुणामय युद्ध होगा ऐसी परिस्थिति होगी कि एक एक मोमिन सत्तर सत्तर हजार काफिरों को मारेगा अब ये बात कुरान में लिखा है कि प्रत्येक मोमिन सत्तर हजार काफिरों को मारेगा लेकिन लोगों को पता ही नहीं मोमिन और काफिर क्या है धर्म योद्धा कौन है गाजी कौन है तैमूर लंग ने अपने आप को गाजी कहलाने के लिए मेरठ में एक लाख से अधिक हिंदुओं को मराया था यही आपके मेरठ में आप नादिर शाह को देख लीजिए उसने कितने हिंदुओं को मरवाया क्यों अपने आप को सच्चा मोमिन और गाजी कहने के लिए जबकि वास्तविकता यह है कि कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में सत्तर हजार नस नाड़ियां हैं जिनमें रक्त प्रवाह होता है पर केवल रक्त ही प्रवाह नहीं होता इन्हीं नसनाड़ियों के अंदर ही हमारे अंदर कामनाओं का वासनाओं का प्रवाह चलता रहता है और जो मोमिन है वे इन वासनाओं को जीत लेती हैं लौकिक कामनाओं को जीत लेते हैं तो जो परमात्मा के प्रेम में अपने आप को निर्मल कर लेता है तो सत्तर हजार काफी काफिरों को मार लेना उन वासनाओं को समाप्त कर लेना कहा गया है इसी तरह से अगली बात मुस्लिम क्या सोचते हैं कहते हैं लोहू सब वैराट में होए जाएगा सब हाथियों के खरियान ए युद्ध होवे जब मुसलमान ये मान रहे थे कि ईसारू अल्लाह और इमाम मेहंदी के साथ में जब दज्जाल का युद्ध होगा तो बहुत सारे बड़े बड़े हाथी उसमें मर जाएंगे और पूरे दुनिया में खून ही खून होगा जबकि वास्तविकता क्या है कि जो बड़े बड़े हाथी हैं एक परमात्मा की उपासना को छोड़ करके बहुदेववाद की उपासना की पद्धति को अपनाने वाले बड़े बड़े ज्ञानी तथा कथित और सरियती बड़े बड़े काजी मौलवी हैं वे श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान से परास्त हो जाएंगे उनको ही कहा गया हाथियों का मरना और कहते हैं ना दाना पानी रहेगा ना कुछ रहेगा घास कहते हैं जो काफिर हैं उनके लिए दाना पानी खाने के लिए अन्न भी नहीं रहेगा और हाथियों के लिए घास भी नहीं रहेगा तो मुसलमान क्या सोचते हैं कि ये सच में हिंदू जो हैं वो काफिर हैं और उनके साथ में ऐसा होने वाला है वास्तव में दाना पानी न रहने का मतलब क्या है कि जितने भी जब भी तारतम ज्ञान का प्रचार होगा यदि वाणी का प्रचार होता है यदि जन जन तक एक परमात्मा के स्वरूप की पहचान की पहुंच होती है एक परमात्मा को किस तरह से अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा रिझाया जाता है उसकी पहचान पहुंचती है तो क्या होगा जितने भी बहुदेववाद की उपासना के केंद्र जो मंदिर हैं वे सुने पड़ जाएंगे जो कब्रों की पूजा होती है मजारों पे मत्था टेकते हैं लोगों की भीड़ लगी रहती है ऐसे जगह सुने पड़ जाएंगे तो जब सुने पड़ जाएंगे चढ़ावा आना बंद हो जाएगा उसको कहा गया ना दाना पानी रहेगा ना कछु रहेगा घास लेकिन मुस्लिम इसका ऊपरी जाहरी अर्थ ले रहे थे और कहते हैं एक और बात कहते हैं और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत और मुस्लिम क्या करते हैं कयामत से बहुत डरते हैं वो सोचते हैं कयामत का मतलब नष्ट होना होता है जबकि कयामत का तात्पर्य अखंड होना होता है और करामात मेरे स्वरूप पर मुझे आदमी देखे ही। और मैंने भी क्या कर रखा है अपने स्वरूप पर जादू कर रखा है जादू कैसे कि लोग मुझे आदमी के रूप में ही देखते हैं मनुष्य के रूप में ही देखते हैं मैं इस तरह का कोई चमत्कार करके जागनी करना नहीं चाहता हूँ मैंने अपने आप को छिपाए रखा है ताकि इनकी सच में हंसी हो तो इस तरह से श्री जी अब सुंदर साथ को समझा रहे हैं आगे भी अभी तो पत्री में काफ़ी चौपाइयाँ हैं अब कुल मिला के छोटी पत्री और बड़ी पत्री में मिला के सवा सौ सव के चौपाई के आसपास है मेरे विचार से कल हम इसको पूरी तरह से सुनेंगे अभी तो और भी बात बताई है कि हमें जागने के लिए क्या करना है जिनको पढ़ करके, जिनको सुन करके हम सिखापन लेकर जागनी के राह में आगे चल सकते हैं अब अभ, अभी के लिए समय पूरा होता है चौपाई दो रही है। और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत करामात मेरे स्वरूप पर मुझे आदमी देखे इत मुझे आदमी देखे इत बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सदगुरु महाराज प्रणाम